So, hi traders, कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी और आज के मार्केट के बाद तो भाई मजा आ गया होगा। अगर अभी भी आप मजा नहीं कर पा रहे हो, मजा नहीं ले पा रहे हो मार्केट का, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो ट्रेडर्स। आप बोलोगे सर आप इतना खुश क्यों हो, क्योंकि भाई लास्ट वीक थर्सडे का दिन पहला दिन था ऑलमोस्ट 26th of September मेरे को एग्जैक्टली डेट याद है, मैंने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे लिए मार्केट वीक होना स्टार्ट हो चुका है। यहां से मार्केट अगर बुलिश होकर जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट अगर बेरिश होगा आई एम ओवर इंटरेस्टेड इन मार्केट। ये कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा था। कल के एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, कल के एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ है कि भाई मार्केट आज नीचे ही जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड हूं, ऊपर जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कल के एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, मेरा बात मत मानो, ठीक है। आप फ्राइडे को 27th of September को टेलीग्राम मैसेज चेक करिएगा, मैं अभी आपको वो भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले ही डाल दिया भाई मैं डीप इन द मनी कॉल सेल कर रहा हूं। डीप इन द मनी कॉल कब सेल किया जाता है, जब आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और आज भाई मैंने रफली 7.5 पॉइंट एक सिंगल डे में कवर किया है। आप लोग क्या कर रहे हो गाइस, आप लोग चिल्लर कलेक्ट कर रहे हो मतलब क्या होता है जानते हो ट्रेडर्स? आप लोग क्या वे ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो? आप लोग किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो कि भाई उसका 2 लाख का प्रॉफिट है। क्यों 2 लाख का प्रॉफिट है भाई? क्योंकि उसने स्कैल्पिंग किया। बट रियलिटी जान पा रहे हो क्या? वो तो 10 पॉइंट स्कैल्पिंग करके आपको दिखा दिया। देखो भाई मेरा 20,000 क्वांटिटी था, उसका 20,000 क्वांटिटी था, उसका 10 पॉइंट कैप्चर हुआ, उसने आपको दिखा दिया 2 लाख का प्रॉफिट। बट इमेजिन अ कंडीशन भाई आपके साथ भी होता है तो उनके साथ भी होता होगा कि 10 पॉइंट पॉजिटिव गया तो हर कोई दिखाया, जब 15-20 पॉइंट नेगेटिव आएगा तो कोई दिखाता है क्या? कोई नहीं दिखाता है। रियलिटी है इस बात का, रियलिटी है ट्रेडर्स, कोई नहीं दिखाता है। दूसरा चीज भाई, स्कैल्पिंग करके अगर हर दिन हर कोई 20%, 30%, 40% बना रहा है तो यूट्यूब पे वेरीफाइड पीएनएल क्यों नहीं आ रहा? लास्ट ईयर मैंने अपने वेरीफाइड पीएनएल डाला था ना, इस साल भी डालूंगा, अप्रैल में इस साल भी डाल दूंगा। ये बात सोचो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये जो स्कैल्पिंग कर रहे घटिया चीज है, बट स्कैल्पिंग कम कैपिटल वाले लोगों का चीज ही नहीं है भाई। ये बात हमेशा याद रखना, जो हम लोग ये चीज कर रहे हैं ना कि अरे यार सर मैं तो 5 पॉइंट कैप्चर करके खुश हूं, भाई कभी खुश नहीं रह सकते हो। आपका महीना में भी अगर एक ट्रेड ऐसा पकड़ा गया 700 पॉइंट वाला ना, जीवन बदल जाएगा, ये चीज याद रखना, बस ये चीज बोलूंगा। चलो आगे एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। चलो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी के याद में मार्केट बंद है, तो 1 तारीख को हमारा मार्केट खुला है और स्पेशली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो डिटेल में देखेंगे कि आने वाला मंथ अब क्या हो सकता है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूं, अब स्टार्ट करते हैं, होपफुली स्क्रीन सभी को विजिबल होगा। सबसे पहले देखो ट्रेडर्स, आप बोलोगे मनीष भाई आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा? भाई पावर है, मून फेज का पावर है। अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेडर्स, ये देखो ये मून फेज है। मैंने बहुत सारा चीज क्लियर कर रखा है, ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि 11 सितंबर को फर्स्ट क्वार्टर का मून था। आप जाके 12 सितंबर को देख लो कितना पॉजिटिव मार्केट किया। 18 सितंबर को फुल मून आया, यानी फुल मून यानी ग्रीन मून, मैं बोलता हूं इसको ग्रीन मून सेटअप बना। आप बैंक निफ्टी में देख लो 18 सितंबर 9 का पावर भी ऐड हुआ, 1+8=9, और मार्केट में क्या मूव आया। अब थर्ड क्वार्टर का मून आया, ये थर्ड क्वार्टर का मून होता है ना, ये डबल फेस मून हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर का मून जब आता है ये बुलिश इंडिकेट करता है, थर्ड क्वार्टर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंडिकेट करता है, ठीक है। थर्ड क्वार्टर का मून 25 सितंबर को बना, 26 सितंबर को पहला वार्निंग मेरा टेलीग्राम पे गया कि भाई अब मैं यहां से मार्केट को बुलिश नहीं सोच रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर तक मार्केट गिर सकता है और 3 अक्टूबर के बाद बड़ा भी फॉल दे सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कहां पे आपने अपडेट दिया, आप देखो ये टेलीग्राम है, आज का आप लोग अपडेट देखो भाई, आज का पूरा अपडेट देखो, हम लोग मार्केट के पीछे भी चलेंगे। सबसे पहले देखो गुड मॉर्निंग माई हीरोज, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, ठीक है। आप उसके पहले देखो 29th of September को, ठीक है। मैंने कल आप लोगों के सामने भी ये चार्ट शेयर किया था, ठीक है। अब उसके ऊपर देखिए, ये देखो यहां पे जब आप ऊपर जाओगे 27th of September को जाओ, देखो एग्जैक्टली 2 बजे, ये देखो हार्ट इमोजी भी है, 2:00 ऑलमोस्ट 3 बजे मैंने एक अपडेट डाल दिया ट्रेडर्स। क्या अपडेट डाल दिया गया कि भाई मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मैं ये ट्रेड लूंगा, ठीक है, जहां पे मैं आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करूंगा और इन द मनी कॉल से उसको बाइंग करके हेज करूंगा। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये पूरा मैंने प्लान किया गाइस, आप देखो वीडियो बना के भी मैंने सेंड किया, ठीक है। आज आप उसी का इंपैक्ट देख रहे हो, उसी रिजल्ट का इंपैक्ट देख रहे हो आप, ठीक है। आप उसी रिजल्ट का इंपैक्ट देखे आपने, देखो सुबह देखो मैंने डाला भी, सुबह 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ मैंने डाला, फिर मैंने इन लोगों को वॉइस नोट में समझाया, ठीक है, मैं वॉइस नोट में मैंने समझाया, फिर देखो 1,90,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने इन लोगों से पूछा क्या लगता है आज 2 लाख जाएगा क्या, क्या लगता है, वो भी कब गाइज, ये 1,50,000 का जब प्रॉफिट हुआ ना, मैंने अपना 60% क्वांटिटी बुक कर लिया 9:15 पे।
9:15 में 60% क्वांटिटी बुक कर लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे 9:18 पे मैंने डाला 1,90,000। मैंने इनसे पूछा क्या लगता है 2,00,000 जाएगा क्या, लोगों का रिएक्शन अभी आता ही, तब तक से 9:19 में 2,07,000। अब सोचो लोगों के मन में आएगा अरे यार 2,00,000 का प्रॉफिट हो गया, रफली 500 पॉइंट कैप्चर हो गया, अब तो एग्जिट कर देना चाहिए। लोगों के मन में आया, ठीक है, ये देखो मोर देन 500 पॉइंट इन ए सिंगल ट्रेड, जय श्री महाकाल, लोगों के मन में आया। बट आप देखिए तब तक से देखिए, बस ये ध्यान रखना 53,500 इंपॉर्टेंट है फॉर सेलर्स। आप देखो फिर मैंने डाला क्या है, क्या ही क्या लगता है आज 3,00,000 देखने को मिलेगा क्या, मैंने ये भी डाला 2,70,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, आप देखो 10 बजे तक 3,10,000 आ चुका। फिर देखो फिर मैंने डाला, ठीक है, कि यार आज पूरा कैपिटल होल्ड किया जाता बहुत अच्छा होता, मैंने डाला ये चीज, ठीक है। और फिर मैंने बोला नेक्स्ट टारगेट 4,00,000 का है। भाई मैं क्या करता हूँ, आपको लगता है आप क्या करते हो, आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हो, मैं क्या करता हूँ मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया 1,00,000 का प्रॉफिट दिखाया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया कि अब कुछ भी हो जाए भाई 50,000 तो घर लेके जाने वाला हूं। फिर 1,50,000 में प्रॉफिट गया, भाई अब कुछ भी हो जाए 80,000 तो घर लेके जाने वाला हूं। फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, भाई मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, कुछ भी हो जाए 1,00,000 तो लेके जाने वाला हूं। जब 3,80,000 मेरा आज के दिन पे हाईएस्ट प्रॉफिट गया, गाइस मैंने ट्रेल कर लिया, कुछ भी हो जाए 3,25,000 तो घर लेके जाने वाला हूं, ठीक है। आप देखो मैंने टेलीग्राम पे पूरा डिटेल डाला, 3,50,000 तक गया, देखो मैंने डाला 3,25,000 डे हाई, 3.8 लाख तक गया था, ठीक है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है, प्रूफ नहीं है, भाई मेरे को प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम के बच्चों को प्रूफ है, ठीक है, इंस्टाग्राम में मैंने डाल रखा है, यूट्यूब पे अब नहीं दिखाता हूँ भाई, क्योंकि लोग बोलते हैं, सेबी बोलता है इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप यूट्यूब को, देखिए यूट्यूब में दिखा के, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, जिसको देखना है देख लो, कुछ स्टॉक्स भी आज मैंने बेचा है, देख लिया होगा आपने। अब भाई बात करते हैं कि यार कल का मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि कल भी इंपॉर्टेंट मार्केट है। उसके पहले देखो ट्रेडर्स, मैं आपको बार बार लास्ट संडे को ही मैंने आपको अवेयर किया था जब रेट कट हुआ यूएस में, ठीक है, मैंने आपको अवेयर कर दिया कि भाई चाइना मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। चाइना मार्केट अगर पॉजिटिव होगा तो मेटल्स और केमिकल्स हमेशा ध्यान रखना, मेटल्स आप लोग देखो मेटल्स में क्या ही परफॉर्मेंस आया है, और ये मेटल जो है ना मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड है ऑटो, ठीक है। अगर मेटल बढ़ता है ऑटो को गिरना पड़ता है सेक्टर रोटेशन के कारण, और आज आप देख लो ऑटो में दबा के प्रेशर बना, ठीक है, ऑटो में दबा के प्रेशर बना है ट्रेडर्स। अब आगे बात किया जाए, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। और एक चीज गाइज, अभी तक अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो क्या कर रहे हो, कल भी देखो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, लेवल्स डाल दिया था, इमेजेस डाल दिया था, आज भी देखो भाई सेम, भाई कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया, आपको क्या चाहिए, आप बैंक निफ्टी का इमेज खोल के देखो और आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देखो, आप देखो ये जो मेरा टारगेट था, ये भी टारगेट आया, रुका मार्केट, इसको तोड़ा, पूरा टारगेट दिया, ठीक है। तो मैं फिर बोलूंगा, अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में ऐसा कर दूंगा भाई टेलीग्राम में लिमिटेड लोगों को कर दूंगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। और एक चीज गाइस, एक बार आप लोग थोड़ा मेरे को जरूर से बताओ कि यार देखो, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मार्केट के, एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ, भाई देखो मैं तो बात करने आया हूँ, किसी को एनालिसिस लंबा लगे तो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, पावर ऑफ मून फेज दिखाता हूँ, पावर ऑफ डेट्स तो बता ही नहीं सकता हूँ, इतना पावरफुल चीज है, ठीक है। आप देखो ट्रेडर्स, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आपको भी बता रहा हूँ, ये देखो, ये एग्जैक्टली 18 तारीख को फर्स्ट ग्रीन मून बना, मार्केट का मूव देखो ट्रेडर्स, ठीक है, 12 सितंबर को ये मूव का पावर कब पता चला, कब ये मूव आ सकता है, कब पता चला, ये देखो आप लोग 12 सितंबर को ये पता लग गया, 11 सितंबर को फर्स्ट फेज ऑफ मून था, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून बोलते हैं जिसको, यहां पे देखो वोलेटिलिटी शो किया, उसके बाद वाला दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये देखो बुलिश। देखो 25 सितंबर को हम लोगों का थर्ड क्वार्टर का मून स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप देखो 24 सितंबर मार्केट कुछ नहीं रिएक्ट किया, 25 सितंबर का अपन मार्केट क्लोजिंग हुआ, मार्केट ऐसा गया कुछ नॉर्मल रहा, हम लोगों का ना 26 से मार्केट इंपॉर्टेंट हो गया, 26 का हाई हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि दिस दिन वो दिन रहता है, उसके बाद वाला दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 को मार्केट क्या किया, 26 को मार्केट हाई लगाया, फिर लो लग गया, अब जब तक इसका हाई नहीं टूट रहा ना, मैं मार्केट में बुलिश नहीं होता, और जैसे ही मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हुआ वैसे ही टेलीग्राम पे अपडेट चले गया कि भाई मैं डाउन तरफ का प्लान कर रहा हूँ। पावर है भाई, ये मून फेज का पावर है भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ये चीज में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हो, बताना, आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक वर्कशॉप लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट का पूरा गणित देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता है ट्रेडर्स, ठीक है। सबसे पहला चीज गाइस देखिए, अभी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है, आप बोलोगे सर आप क्यों बोल रहे हो इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ही देखिए, पहले वन डे देख लीजिए, वन डे में क्या देखने को मिल रहा, कल भी मैंने आपको समझाया था,
वन डे पे मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ये क्रूशियल लेवल था, मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। क्यों ये राउंडिंग बॉटम बना, मार्केट ब्रेकआउट दिया, अभी उसी लेवल पे आया हुआ है, पहला चीज ये। दूसरा चीज ये, ट्रेडर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जुलाई वाला मून फेज था, रेड मून बना, देखो कितना शार्प सेलिंग आया था, वो जुलाई वाला फेज आ चुका है मार्केट में, ठीक है। प्लानिंग एकदम ध्यान से एकदम शांति से करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, चार्ट को थोड़ा ऐसा देखेंगे कि पूरा चार्ट दिखे अपने को, ठीक है। फिबोनाची लेंगे, लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको दिखेगा अरे वाह 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 वाह, क्या दिखा आपको, दिखा कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं 0.6 के पास रुक रहा है। ये देखो ये जोन मैं ड्रॉ करना चाहूंगा गाइस, ये देखिए ये जोन है, ये मार्केट का सुपर क्रिटिकल जोन है क्योंकि 0.6 का जोन है, ठीक है। अब अगर मार्केट को बेरिश होना है, ठीक है, अगर इसको तोड़ता है, मैं ये जोन के आसपास ना लाइन भी मार्क कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, 0.6 का ये पूरा एरिया है भाई। अब अगर मार्केट 52,871 का लेवल तोड़ता है भाई, बड़ा फॉल आएगा, नेक्स्ट टारगेट अपना है 52,600, ये हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट, और अगर उसको भी तोड़ दे तो भाई ये मून फेस का लेवल ये और बड़ा टारगेट, ये तीन टारगेट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला टारगेट क्या 52,871 का, उसको तोड़ता है तो 52,636 का, और उसको तोड़ता है तो 52,135 का। अब मन में आता होगा सर तो बुलिश ट्रेड कब प्लान करेंगे, सर बुलिश ट्रेड कब प्लान करेंगे, सर बुलिश ट्रेड आप खुद सोचो स्ट्रक्चर क्या चल रहा। मैं बार बार बोलता हूं कभी भी स्ट्रक्चर देखा करो। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट था, मेरा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल भी मेरा साथ दिया, मेरा स्ट्रक्चर भी मेरा साथ दिया। आप बोलोगे सर मतलब क्या, आप मतलब देखिए, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बट जैसे ही 26 तारीख आया मेरे लिए डेट वाइज इंपॉर्टेंट हुआ, मार्केट नीचे तो आया, ये देखो नीचे तो आया बट ऊपर नहीं जा पाया उतना तेजी से, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। अभी देखो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, लोअर हाइस का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, अब अगर भाई सेलर्स में दम है, सेलर्स जेन्युइनली बुलिश है, बेरिश है सॉरी, तो मार्केट अब 53,300 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर 53,300 के ऊपर जाएगा अगेन बुलिश हो जाएगा मार्केट, मेरे लिए अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगा, मैं हाथ जोड़ के साइड बैठे रहूंगा मार्केट में, कुछ काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो बुलिश होना है 53,304 के ऊपर होंगे, बेरिश होना है अब नया एंट्री बनेगा 52,871 के नीचे, और बड़ा टारगेट हम लोगों को दिख रहा है रफली कहां पे, बड़ा टारगेट दिख रहा है 52,135 के आसपास, ठीक है। अब क्या करता हूं, ये चार्ट का फोटो लेता हूं और टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं सभी को, ठीक है। टेलीग्राम पे अपडेट क्यों कर देता हूं, क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए, भाई मेरे स्टूडेंट्स को पता लगेगा तभी तो मेरे को मजा आएगा। 1st अक्टूबर सेंड, टेलीग्राम पे चले गया। अब देखते हैं निफ्टी के एनालिसिस, ठीक है। और देखो भाई बार बार मैं बोल रहा था मिड कैप निफ्टी पे ध्यान रखना, मिड कैप निफ्टी भाई ना उतना चढ़ा है तो मिड कैप निफ्टी उतना गिरा भी नहीं, ठीक है। मिड कैप निफ्टी नहीं गिरा उतना, आज भी नहीं गिरा। हम लोगों का लेवल ये देखो एग्जैक्टली हमारे लेवल का पिन पॉइंट रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली लोअर लेवल पे गया। मैंने पहले ही बोला था मार्केट यहाँ के आसपास कुछ रिस्पेक्ट देगा, नीचे तक नहीं आया भाई, जो बात है जेन्युइन बोलूंगा, मार्केट उसी रेंज में रह गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 13,300 के पास रहे, बट मार्केट 12,200 के पास आ गया, जहां पे सेलर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। अब निफ्टी का बात कर लेते हैं गाइस, निफ्टी में यार ज्यादा कुछ बात ही नहीं करना है, ठीक है। निफ्टी में मैंने क्या किया है, मैं चलो फिर से रिमूव करता हूँ हर चीज, फ्रेश बताता हूँ, ठीक है, फ्रेश बताऊंगा। सबसे पहले निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, अभी तो निफ्टी में रिएक्शन होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, निफ्टी में तो बड़ा रिएक्शन होगा भाई। दिस दिन निफ्टी 25,300 को तोड़ देगा, अगर 25,300 टूट गया तो भाई मेरे भाई रेडी रहना बड़ा टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट क्या आएगा, बड़ा टारगेट आएगा 24,000 के आसपास तक। अगर 25,300 तोड़ा निफ्टी डायरेक्टली 1,000 पॉइंट के आसपास गिर सकता है। आप बोलोगे सर यहां नहीं रुकेगा क्या, मैं प्रस्तली नहीं मान रहा हूं कि निफ्टी फिर यहां रुकेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अच्छा करेक्शन हो रहा है, एंजॉय करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अब निफ्टी का प्लान क्या है, सबसे पहले डायरेक्टली 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है, 15 मिनट में आइए क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। फिबोनाची लीजिए, जहां से बुल रैली स्टार्ट हुआ मून फेस का डे, देखो 18 तारीख के आसपास का लो टू हाई मैंने कनेक्ट कर दिया। मून फेस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप फिबोनाची भी कनेक्ट करो, मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, अच्छा अच्छा कमेंट करो कि सर मून फेस के ऊपर कोई वर्कशॉप लाओ, मैं लाऊंगा, आप कमेंट तो करो, क्योंकि अभी मैं नहीं लाता हूं, अभी मैं बात नहीं करता हूं भाई, मुझे लगता है आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है भाई। मैं भी इसके ऊपर भी जानता हूं कब इंपॉर्टेंस, मतलब कब इसको दिखाने लग गया पब्लिक को। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते थे कि सर बताओ ना सर, लोगों को डिजायर है ये भी जानने के लिए, तो मैं ये बताने लग गया, ठीक है। निफ्टी में देखो भाई 0.5 का लेवल काफी क्रिटिकल है, 25,782 के बाद 25,782 के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी बड़े टारगेट के लिए रेडी होगा। पहला टारगेट रफली है हमारा 25,600,
उसको तोड़ता है तो एक बड़ा टारगेट है 25,500 का। ये दो टारगेट बड़ा है अपने को निफ्टी में देखने को मिल रहा है, इसको हटाओ अभी, इसको नहीं देखेंगे। ये दो टारगेट बड़ा है निफ्टी में, ठीक है। बुलिश ट्रेड कब लेंगे? बुलिश ट्रेड निफ्टी में अगर बुलिश ट्रेड लेना है भाई, तो रफली आज आप देखो ना मार्केट कहां पे रुका है। सबसे ज्यादा मार्केट इस एरिया पे रुका है, ये एरिया पे रुका है, ठीक है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बट स्लाइटली इंपॉर्टेंट है। स्लाइटली इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे, कैसे मार्क करेंगे मनीष भाई? इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्लाइटली इंपॉर्टेंट है। मेजरली कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? मेजरली इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ठीक है, ये है। तो निफ्टी में बुलिश ट्रेड तो भाई 26,000 के ऊपर बनेगा, ठीक है। लॉन्ग बुलिश होना स्टार्ट हो जाएंगे 25,890 के बाद, लॉन्ग बुलिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूं, नहीं तो भाई कंफ्यूजन रह ही जाता है। लॉन्ग बुलिश हो जाएंगे 25,890 के बाद, बुलिश ट्रेड, सुपर बुलिश ट्रेड 26,000 के ऊपर और सुपर बेरिश ट्रेड 25,770 के नीचे, ठीक है। ये रहा ट्रेडर्स डिटेल एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। मैंने जितना हो सके उतना आप लोगों को बताने का ट्राई किया भाई। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक और कमेंट किया करो यार। आप लोग उनको लाइक और कमेंट कर रहे हो जो यार चिल्लर कलेक्ट करना सिखा रहे हैं, और जो नोट कमाना सिखा रहे, नोट बनाना सिखा रहे, जो सही चीज बता रहे, आप लोग उनको लाइक और कमेंट नहीं करते हो। फटाफट लाइक और कमेंट करो, बताओ मून फेस के ऊपर इंटरेस्टेड हो, मैं कंटेंट लाऊंगा। और टेलीग्राम को अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया? जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, नहीं तो मौका छूट रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लोगों को यूट्यूब चैनल शेयर करो, लोगों को दिखाओ कि कोई बंदा है जो जेन्युइनली इतना कुछ सिखा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम, जय श्री महाकाल गाइस, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।